मिडिल ईस्ट में ईरान, हमास, हिजबुल्ला, यमन का हूती, सीरिया और इराक के प्रतिरोधी समूह इसराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी में लगे हुए हैं और इन सभी गुटों की अगुवाई ईरान कर रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट की सुपर पावर बनना चाहता है, जिसकी राह में इसराइल और सऊदी अरब सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल विरोधियों की लिस्ट में तुर्की का नाम भी जुड़ गया है, क्योंकि तुर्की शुरुआत से ही गाजा युद्ध को लेकर इसराइल के खिलाफ और अब उसके भीतर इसराइल विरोधी आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो रही है। दरअसल तुर्की के जाने माने 90 साल के इस्लामी न्यायविद और राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की तरफ से फतवा जारी करने वाले हायरेतिन कारामान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल को रोकने के लिए तुर्की को अब परमाणु हथियार हासिल करना चाहिए। परमाणु ताकत से ही इसराइल की आक्रामकता को रोका जा सकता है। कारामान ने इस्लामी अखबार येनी सफाक डेली में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि या तो इस्लामी दुनिया को एकजुट होकर चीन और रूस का सहयोग करना चाहिए या तुर्की को परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कारमान ने तुर्की द्वारा नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर करने की आलोचना की है। उन्होंने दलील दी है कि इस संधि के तहत परमाणु शक्तियों को मान्यता दी गई है जो औपनिवेशिक हैं। ये अपनी सैन्य ताकत के बल पर अपने शोषण को बनाए रखना चाहती हैं। यदि जिन देशों का इन्होंने शोषण किया है वो परमाणु हथियार हासिल कर लें तो वो फिर उन देशों का उत्पीड़न नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि कारामाल साल 1995 में इसराइल और फिलिस्तीन के दौरे पर गए थे और अपने इसी दौरे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से ये महसूस किया है कि कैसे यहूदियों के एक विशाल इसराइल की कल्पना की है, जिसे प्रॉमिस लैंड के नाम से जाना जाता है। यहूदी पश्चिम की मदद से अपने इसी लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं। उनके इस लक्ष्य का मकसद ग्रेटर इसराइल को तुर्की के दक्षिण पूर्व इलाके में विस्तार करना है। लेकिन इस सब के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक जनसभा में दावा किया कि इसराइल तुर्की को जमीन को हड़पना चाहता है। एर्दोगन ने इससे पहले पहली बार सार्वजनिक रूप से 10 नवंबर 2023 को एक जनसभा में कहा था कि पूरी दुनिया के सामने एक तबाही मानवता के खिलाफ अपराध घटित हो रहा है। हजारों सालों से फिलिस्तीनी लोगों की जमीन पर कब्जा करके ऐसा देश बनाया जिसका इतिहास सिर्फ 75 साल पुराना है। इसे संतुष्ट न होकर वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी भी दे रहे हैं, जिसमें हमारे देश को उनके ग्रेटर इसराइल में शामिल करना और अपनी टेक्नोलॉजी में श्रेष्ठता और उत्पीड़न के साथ हमारे धैर्य की परीक्षा लेना शामिल है। और इसके बाद एर्दोगन ने 11 नवंबर 2023 को सऊदी अरब के रियाद में संयुक्त इस्लामिक अरब सम्मेलन में भी इसी तरह का बयान दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि तुर्की खुले तौर पर हमास से जुड़ा हुआ है। हमास को अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आतंकी संगठन घोषित कर रहा था। वहीं तुर्की ने कई बार हमास के नेताओं की अपनी मेजबानी की है, साथ ही उसे सैन्य मदद, फंडिंग और कुछ मामलों में हमास के सदस्यों को नागरिकता तक दी है। और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने हमास के लड़ाकों का भी बचाव किया है। एर्दोगन ने उन्हें मुजाहिदीन का नाम दिया है जो अपनी जमीन की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं।